जितने भी डिपार्टमेंट हो गए इन्होंने एलिवेटर लगाई जिसमें की मैं ऑल जे एंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट कमला शर्मा बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया की आभारी हूँ जो हमारी आवाज़ आगे तक, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है हमारे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो अभी नए मनोज सिन्हा जी आए हैं, हम उनसे एक ही अपील कर रहे हैं कि जो 27 साल से होमगार्ड के लोग 2700 रुपये पे सैलरी मिल रही है, हम अब नौकरी नहीं उनसे मांग रहे हैं, हम एक इंसाफ मांग रहे हैं। हमारा इंसाफ यही है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, हाई कोर्ट का आर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज 2700 रुपये पे कौन सा घर चल रहा है? लोग बोलते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड आज भी गुलाम है। हम सरकार से बार बार एक ही अपील कर रहे हैं कि आज कोरोना के तहत जो लोग आगे रेडी फेडी लगाते थे वो भी नहीं अब लगा सकते। 2700 रुपये एक ऐसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि जो पुलिस कांस्टेबल का आर्डर है वही इनको होमगार्ड को दिया जाए, लेकिन सरकार इनको मात्र 2700 रुपया। सुन के भी एक शर्म की बात है कि आज एक ब्यूरोक्रेसी, जहां हमारे डिपार्टमेंट के एक कांस्टेबल के साथ जब हम ड्यूटी करते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो भी यूनिफॉर्म डाल के, तो अगर वो दिन का 3000 ले रहा है तो हमको 300 रुपये पर वही ड्यूटी कर रहे हैं, तो इससे सरकार हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं जहाँ तो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ तो जम्मू कश्मीर से होमगार्ड को खत्म किया जाए, इनका सेंटर से ही फंड बंद करा दीजिए, क्योंकि अगर इनको जरूरत नहीं है इन जवानों की तो इनका शोषण क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजों के टाइम का जब कोई फोर्स नहीं थी, 1962 में चाइना के साथ युद्ध लड़ा था इन लोगों ने, लेकिन सरकार ने आज तक सभी के साथ इंसाफ किया, लेकिन इंसाफ नहीं किया तो वो जे एंड के की होमगार्ड के साथ आज ड्यूटी बढ़ा है। ड्यूटी के तहत हमारा मसला क्यों नहीं किया गया? ड्यूटी के कानून हमारी होमगार्ड पे क्यों नहीं लागू किया गया? अगर ड्यूटी की स्टेटों को, चंडीगढ़ को, उत्तराखंड को, दिल्ली को, अगर गोवा में जहाँ भी है ड्यूटी की स्टेटें, उनको अगर 30-30, 40-40 हज़ार सैलरी दी जाए तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को मात्र 2700 रुपया दिया जा रहा है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक ही अपील कर रहे हैं कि जहाँ तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें अब लास्ट डिसीजन उनसे ही लेना है, उनसे ही मिलना है। आज हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो गवर्नर हाउस पे भी जाना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर भी जाना पड़ेगा, जाएंगे अपने हक के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर धांधलियाँ हो रही है उसकी इंक्वायरी करें, सेंटर कितना पैसा देता है और कहाँ पर जाता है। आगे बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड एक्शन कमेटी। और सबसे पहली बात है कि एम्प्लॉईज जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में हर मुलाजम की बात करती है, और होम गार्ड के जो मुलाजम हैं, जिसकी स्टेट की प्रेसिडेंट कमला शर्मा है, हमारी फुली सपोर्ट इनके साथ है। और बड़े दुख की बात है कि यहाँ एक कॉन्स्टेबल है, उसको 70 से 80 हज़ार सैलरी दी जा रही है, और उतना काम भी एक जो होम गार्ड का है वो भी उतना ही काम करता है, लेकिन इनके साथ इतनी नासाफ़ी क्यों है, इनजस्टिस क्यों है? 2700 रुपये इनको सैलरी दे रहे हैं, क्या 2700 रुपये पर ये अपने बाल बच्चों की लुक आफ्टर कर सकते हैं? वो सबसे पहले बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये बड़े दुख की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, स्टेट के बाद इसको यूटी बनाया,
लेकिन अभी तक अगर यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं लागू हुए। इसके साथ अगर यूटी बाकी में जो है उनकी सैलरी जो है 21,000, 25,000, 30,000 या 31,000 उनको दे रहे हैं। हमारी भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर होम गार्ड में जो काम करने वाले मुलाजम हैं, अगर यहाँ यूटी बनाया गया है इनको भी वही वेजेस और सैलरी मिलनी चाहिए। इम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी फुली इनकी सपोर्ट करेगी और हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये होम गार्ड का जो मसला है ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए और इनकी रिगलाइजेशन होनी चाहिए। इसके साथ सबसे पहले सरकार अगर पोस्टें एडवर्टाइजमेंट करती है तो सबसे पहले ये लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो होम गार्ड में लगे हैं इनको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस की वजह से दरहम बरहम और लाखों लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हम ये कहने चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में ना तो वो कोई दूसरा काम कर सकते हैं और 2700 रुपये में क्या अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम इन यहाँ के हेड मनोज सिन्हा जी से पूरा जोर अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये मसला जो है होम गार्ड का हल किया जाए। अगर नहीं करते तो आगे आने वाले दौर में होम गार्ड वाले बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की है यूटी की सरकार की होगी ना।